नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन करने के फ़ायदों के बारे में। मेडिटेशन करने से हमारे शरीर में क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं और आखिर क्यों ये हमें करना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, मेडिटेशन करना, जिसे हम हिंदी में हमारी मातृभाषा में ध्यान लगाना कहते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन के द्वारा ध्यान लगाकर आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। रोजाना मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपका मन एकदम शांत और स्थिर हो जाएगा। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी आँखों को बंद करके बैठना होता है और आपको धीरे धीरे गहरा अनुभव प्राप्त होता चला जाता है। दोस्तों, ध्यान लगाने से न सिर्फ मन शांत होता है बल्कि एलर्जी, कैंसर, थकान, अस्थमा जैसी समस्याओं से भी निजात पाने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा मेडिटेशन करने से कई तरह के मानसिक विकार भी आपके खत्म होने लगते हैं। दोस्तों, ध्यान लगाते समय आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, जिससे मेडिटेशन आपको बोरिंग लगने लगता है। लेकिन रोजाना अगर आप इसकी प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करते हैं तो आप ध्यान लगाने में एक निपुण होने लगेंगे। दोस्तों, क्योंकि रोजाना ध्यान लगाने से आपका मन धीरे धीरे करके शांत और एकाग्र होने लगता है, तो चलिए अब आपको बताते हैं मेडिटेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो इसका फ़ायदा है वह है एकाग्रता बढ़ाने में। दोस्तों, ध्यान लगाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। जब आपकी एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी तो आप मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों का हल आसानी से निकालने लगते हैं, जिससे आपकी सीखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आती है तो इस लिहाज से आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से मूड और इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, इससे नींद भी अच्छी तरह आती है। दोस्तों, मेडिटेशन गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। ध्यान लगाने से गर्भवती महिलाओं में डिप्रेशन होने का खतरा कम हो जाता है। एक प्रकार का माइंडफुल योग है जो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक महीने तक लगातार मेडिटेशन करने से दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त बन सकता है। रिसर्च से यह पता चला है कि मेडिटेशन करने से कई सारी दिमागी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एक रिसर्च में यह पाया है कि मस्तिष्क के व्यवहार को कंट्रोल करने वाले हिस्से में भी मेडिटेशन करने के बाद अच्छे बदलाव आते हैं। इस हिस्से में नसों की खराब एक्टिविटीज़, दिमागी बीमारियों जैसे कि डिप्रेशन, एकाग्रता में कमी होने की वजह बनता है। मेडिटेशन करने से कोर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्त्राव सही मात्रा में होता है, जिससे आपका दिमाग एकदम शांत और आपका दिमाग एकदम स्थिर रहता है। इससे टेंशन को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, ध्यान लगाने से यानी कि मेडिटेशन करने से हमारे बुजुर्गों को होने वाला अकेलेपन का एहसास कम होने लगता है, क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों में अकेलेपन का एहसास होना स्मोकिंग करने से और उतना ही ज़्यादा हानिकारक होता है जितना कि आप अगर स्मोक करते हैं उससे आपको नुकसान होता है। इसलिए बूढ़े लोगों को ध्यान जरूर लगाना चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिससे वह अपने आप को अकेला ना महसूस कर पाए। इसके अलावा दोस्तों, मेडिटेशन करके आप अपना वज़न भी घटा सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जो लोग कम अपना वज़न करना चाहते हैं वे लोग पूरे मन से मेडिटेशन करते हैं और उन्हें वज़न कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से मेडिटेशन करता है उसका गुस्सा कंट्रोल में रहता है, जिससे वह गुस्से के दौरान कोई खास गलती नहीं कर पाता। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वे लोग मेडिटेशन करके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन करने का यह लाभ है कि न सिर्फ यह मन को शांत बनाता है बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा यानी कि एनर्जी का संचार भी करता है, जिसके कारण हम अपने आप को पहले के मुताबिक ज़्यादा सेहतमंद महसूस करते हैं। इसे करने से दर्द को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। मेडिटेशन के फ़ायदे की बात करें
तो पूरे शरीर को यह मजबूत बनाता है, यह बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिससे शरीर की कई सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मेडिटेशन करके आप डायबिटीज़ और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी आसानी से लड़ सकते हैं। कई सारे टीनेजर बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है, लेकिन जब वे लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो उनका तनाव दूर होता है और उन्हें एक नई खुशी का एहसास होता है। अगर नियमित रूप से ध्यान लगाया जाए तो संगीत में रुचि बढ़ती है और हमारे ध्यान को केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मेडिटेशन मानसिक क्षमता को बढ़ाकर दिमाग और शरीर दोनों को ही आराम पहुंचाता है। मेडिटेशन के लाभ की बात करें तो इससे निर्णय लेने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है और स्वयं पर कंट्रोल रखना भी मेडिटेशन आपको सिखा देता है। इसके अलावा दोस्तों गठिया के मरीज अगर नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें गठिया की बीमारी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और यह दर्द को आसानी से कम कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।